चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक में 14 विपक्षी दल शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस ने संसद सत्र से पहले बैठक बुलाई है। कांग्रेस की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं होगी। आपको बता दें कांग्रेस की बैठक से पहले टीएमसी शामिल नहीं होगी। बैठक में बीएसपी आपके आने पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। बैठक में 14 विपक्षी दल शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। कांग्रेस की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं होगी और बैठक में बीएसपी आपके आने पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। तो संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। बैठक में 14 विपक्षी दल शामिल हो सकते हैं। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरी रणनीति बना ली है। कांग्रेस की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं होगी। बैठक में बीएसपी आपके आने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने अहम बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है और इसको लेकर के कांग्रेस विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं होगी। बैठक में बीएसपी आपके आने पर सस्पेंस बरकरार है। तो बैठक में 14 विपक्षी दल शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस की बैठक में आपको बता दें टीएमसी शामिल नहीं होगी, साथ ही बीएसपी और आपके आने पर भी सस्पेंस बरकरार है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, देखिए संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने बैठक बुलाई है और बैठक में 14 विपक्षी दल शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ अभी जानकारी? बिल्कुल आयुषी, देखिए संसद के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है और इस सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने तो अपनी रणनीति बना ही ली है, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है। और इसी को लेकर आज सुबह 10 बजे कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों की एक बैठक बुलाई है और उस बैठक के जरिए कई मुद्दों पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। और शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष एमएसपी कानून, महंगाई और कोरोना से जो मरे हुए लोग हैं उनके परिवार के लिए मुआवजा की मांग करने वाला है और ऐसे में अब इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस को दूसरी पार्टियों का सहयोग मिले इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन इसमें एकजुटता में बैठक से पहले भी छेद पड़ती हुई दिखाई दे रही है आयुषी, क्योंकि टीएमसी कांग्रेस द्वारा जो भी ये बैठक बुलाई गई है इसमें नहीं आने वाली है। टीएमसी ने मना कर दिया है कि वो इस बैठक में नहीं शामिल होगी। अब ऐसे में देखिए आयुषी, ये सवाल खड़ा होता है कि जहां एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर बैठक करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें तमाम पार्टियां जो है वो आ रही है, उनके नेता आ रहे हैं, और ऐसे में टीएमसी जब किनारा करती हुई दिखाई दे रही है तो ऐसे में विपक्ष की एकजुटता कैसे संसद के अंदर दिखा पाएगी? इस बारे में देखिए कांग्रेस ने जो ममता की पार्टी है टीएमसी, उन्होंने कहा है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। वैसे अब क्योंकि विपक्ष की एक प्लान के मुताबिक सदन में जाने वाला है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पहला ही दिन काफी हंगामेदार हो सकता है। अब ऐसे में टीएमसी की क्या भूमिका रहेगी आयुषी, ये देखना होगा। हालांकि टीएमसी ने भी कल जब सर्वदलीय बैठक हुई है तो उसमें तमाम तरीके के मुद्दे उठाए हैं। जब एक पूरी कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष एकजुट है, केंद्र सरकार ने भी अपनी रणनीति बना ली है, तो वैसे में टीएमसी की भी भूमिका देखने वाली होगी कि टीएमसी किन किन मुद्दों पर अपनी जो सदन के अंदर है जो आवाज उठाएगी ऐसे में। लेकिन फिलहाल जो एक्शन जो है, जो रणनीति जो है, वो विपक्ष आज सुबह 10 बजे बैठक करके उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे और उसमें पूरी एक रणनीति बनाई जाएगी कि किन किन मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा जाए। क्योंकि देखिए आज का दिन, क्योंकि आज पहला दिन है शीतकालीन सत्र का, वो बहुत ही अहम होने वाला है। कृषि कानून जो है उसमें निरस्त विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष है वो तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर आज घेरने वाला है केंद्र सरकार को। तो आयुषी आज के दिन काफी अहम और गर्मा गर्मी वाला दिन जो है वो रहने वाला है। जी जी ज्योति, देखिए बैठक में बीएसपी और आपके आने पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है।
बिल्कुल आयुषी, देखिए टीएमसी ने तो पहले ही किनारा कर दिया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीएसपी के जो सांसद है वो इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये तस्वीर जो है वो पूरी तरीके साफ सुबह 10 बजे हो जाएगी, क्योंकि न्योता जो है वो सबको बुलाया दिया गया है बैठक में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी ने खुद से ये अपील भी करी है सभी सांसदों से कि विपक्ष के सभी सांसदों को एकजुट होना होगा, तभी केंद्र सरकार पर हमला किया जा सकता है, उनको घेरा जा सकता है, अन्यथा देश की आवाज को दबा दिया जाएगा। आयुषी जी, शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने अहम बैठक बुलाई है।